कि आपको एग्रीमेंट बनाना है। आप अगर अपने यहाँ किसी मजदूर को रखते, मसला यही है कि हम इस्लाम का नाम बहुत लेते हैं, हम हुकूक का नाम बहुत लेते हैं, हम जो है जन्नत जहन्नम का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है समाज में, समाज में रहने की बारी आती है, कारोबार करने की, नौकरी करने की बारी आती है, तो हम इस्लामी शरीयत पर जो है कमा हक़ अमल नहीं करते। तो आपको दूसरा पॉइंट करना क्या है कि आपको अपने मजदूर के साथ एग्रीमेंट बनाना है। किस बात का एग्रीमेंट आप बनाएंगे कि वो काम जो आप उससे लेना चाहते हैं वो काम कौन सा है, कितना काम है वो, पहली बात ये, उस एग्रीमेंट में पहली बात ये कि वो काम क्या है। बहुत सारे लोग जो है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप लोग उससे ज़्यादा तमाम बातें जानते हैं, कि बहुत सारे लोग एक काम बोल के किसी मजदूर को अंदर दाखिल करते हैं, उसके बाद हर काम उसी से लिया जाता है। ये तरीका जो है गलत है। आपको जो काम उससे लेना है उसको एग्रीमेंट पर लिखिए, एक बात ये। उस एग्रीमेंट की दूसरी बात ये है कि उसको कितने देर तक काम करना है, उसको एक तो ये कि कितने महीने काम करना है, कितने साल काम करना, उसका एग्रीमेंट भी बनाया जाए, और दिन में उसकी ड्यूटी कितने घंटे की होगी इस बात को भी एग्रीमेंट में जिक्र किया जाए, क्योंकि इंसान के वक्त की कीमत है। आपके यहाँ कोई बंधुआ नहीं है, वो गुलाम नहीं है, वो इंसान है आपकी तरह, उसके बाद उसके खानदान की जिम्मेदारियाँ हैं, उसकी अपनी जिस्मानी जिम्मेदारियाँ हैं, शख्सी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए उस एग्रीमेंट में आप जिक्र करेंगे कि उसको कितना घंटा काम करना है। तीसरी बात यह है कि आप जिक्र करेंगे उस एग्रीमेंट में कि आप उसको मजदूरी कितना देंगे, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, आप एग्रीमेंट में जिक्र करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम बातों की दलील क्या है। इन तमाम बातों की दलील जो है अल्लाह ताला का ये कौल है सूरह मायदा आयत नंबर 1 की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु औफू बिल उकूद, कि ऐ ईमान वालो आपस में जो मुआहदा हो उसको पूरा करो, जो एग्रीमेंट है उसको पूरा करो। तो आप छुप कर जो है अपने जहन में एग्रीमेंट मत बनाइए। लोग अपने जहन में मुआहदा रखते हैं कि इसके साथ ये काम, इससे ये काम लेना, इससे ये काम लेना, कहेंगे कि हम 8 घंटा आपसे ड्यूटी लेंगे लेकिन 12 घंटा ले रहे हैं। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो है ये अक्त में आप अक्त बनाइए ताकि मामला जो है बहुत ही वाजे और क्लियर रहे। उसमें आप उसको मुतय्यन कीजिए काम क्या होगा, ड्यूटी कितने घंटे की होगी, आप उसको तनख्वाह कितनी देंगे।